मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें शादी करनी है? वो तो कब से कर लिया है। ठीक ही है। बस ठीक ही है। वैसे मिस्टर बाजपेई, आप भी मेरी पसंद ही हैं और मुझे आप ठीक ही तो नहीं लगते। क्यों? मैं तुम्हें ठीक से भी गया गुजरा लगता हूँ क्या? पता है, मुझे ना बहुत ही क्यूट से इनोसेंट बेबी लगते हैं, जो नाराज होकर पानी पूरी की तरह मुंह फुला लेता है ऐसे। साक्षी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आज से 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो कि ये मुझसे क्या हो गया। मैंने इतनी हड़बड़ी में शादी क्यों कर ली? मैं तो श्योर भी नहीं थी। शादी करना तुम्हारा फैसला होना चाहिए, ना कि तुम्हारी मजबूरी। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे बिहेवियर में कुछ बदलाव देखे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें थोड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तुम वक्त ले लो और आराम से सोच के मुझे बताओ। नहीं, मुझे और वक्त नहीं चाहिए। वक्त तो हमें उस फैसलों के लिए लेना पड़ता है जो हमें दिमाग से करने हो। दिल के फैसले तो दिल खुद ही कर लेता है ना। और मैं लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेकर इतनी श्योर तो कभी भी नहीं थी। अरे साक्षी, मानव, ऐसा क्या पूछ लिया उस बेचारी ने जो इतनी छोटी सी बात पे तुमने उस बेचारी को इतना कुछ सुना दिया? आकांक्षा प्लीज, मेरे और साक्षी के बीच की बातों में तुम अपना टाइम, एनर्जी और दिमाग मत वेस्ट। आखिर क्यों मानव? मैं क्या इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते? और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। अब तो मुझे यथु भी माफ कर चुका है, मेरी मम्मी ने भी मुझे माफ कर दिया, साक्षी भी मेरे साथ कंफर्टेबल है, लेकिन तुम और कितना नीचा दिखाओगे मुझे? आखिर मैंने तुमसे मांगा ही क्या है? तुम्हारी माफी बस। आकांक्षा, कुछ माफियों के लिए इतनी देर हो चुकी होती है कि उनके लिए माफी ना ही मांगी जाए तो ही बेहतर। और प्लीज तुम ये मत भूलो, यहाँ पर तुम्हारी मौजूदगी या तू चाहता है, मैं नहीं। क्या राइट? मैं ही बेवकूफों की तरह तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारी शादी की तैयारियों में शामिल हो रही हूँ? मैं ही पागल हूँ, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। As you wish. ठीक है मानव, मैं अभी तुम्हारी दुनिया से दूर चली जाऊंगी। अभी से भी बीमारी के बारे में बताने का वक्त आ गया है। मम्मा, अब पैक पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? नहीं अब तू बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती और तुम भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। बेटा, मैंने सोचा था कि अपने आखिरी के दिनों में मैं आपके और आपके डैडा के साथ रहूंगी, ताकि मैं अपने किए का प्रायश्चित कर सकूं और फिर इस दुनिया से चली जाऊंगी बिना किसी बोझ के, मन में सुकून लिए। लेकिन बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ रहने से आपके डैडा का सुकून छिन जाएगा, इसलिए तो इतनी बड़ी बात छुपा के रखी मैंने उनसे। बेटा, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन फिर मम्मा, तो कहाँ जाओगे? और नानी, जब से उन्होंने आपकी बीमारी के बारे में ये बात सुनी है, वो खुद बीमार हो गई है। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यही रहोगे, मैं आपकी केयर करूंगा। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे? नहीं अथु, अब कोई जिद नहीं, प्लीज। और तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद अरे इन्हें क्या हुआ, देखो मम्मा। आकांक्षा, आर यू ओके?
क्यों रो रही हो? मम्मी, मुझे ये सब खुशियाँ क्यों नहीं मिली जो हर लड़की को मिलती है? मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, सारे नाचे गाए, खुशियाँ मनाए, खुश दिखे, लेकिन मेरा हर सपना अधूरा रह गया। मम्मी, आपकी अभागी बेटी पूरी जिंदगी अपनी कामना अपने सपनों के पीछे भागती रही, और जब वो अपनी इस दुनिया को छोड़ के जा रही है, उसका हर सपना अधूरा रह गया, हर सपना अधूरा रह गया। अपने आप को संभालो, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। नहीं आकांक्षा, प्लीज ऐसा मत सोचो। आधी रात को जाकर मैंने मानव को शादी के लिए पूछा, और अगले दिन हमारी शादी भी हो गई बिना किसी तामझाम के, ना कोई मेहंदी, ना हल्दी, ना कोई सेलिब्रेशन। शादी करोगे मुझसे? आकांक्षा, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो। नहीं मानव, आज तो मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा बदनसीब लड़की और कोई नहीं है। हर लड़की का सपना होता है कि वो सुहागन मरे, कि जब हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो तो उसका पति उसे लाल चुनर उड़ा के विदा करे। मम्मी, सिर्फ मैं ही अभागन नहीं हूँ, आप भी अभागन है जो आप अपनी छोटी बेटी का कभी कन्यादान नहीं कर पाए, कभी आप उसे लाल जोड़े में नहीं देख पाए। मानव, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? सच बताना। आकांक्षा, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ, जो हुआ वो बीती बातें थी, आज के दिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। झूठ। अगर तुमने दिल से मुझे माफ कर दिया है तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ हाँ, बोलो आकांक्षा, क्या बात है? मानव, मैं इस दुनिया से तुम्हारी बीवी बन के जाना चाहती हूँ। एक बार फिर मैं अपने परिवार को अपना बनाकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मुझे चंद दिनों की खुशियां दे दो मानव, मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दो। साक्षी, क्या तुम अपनी बहन की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।